राज्य आईटी आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ की बैठक मंडी में आयोजित की गई। यह बैठक कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष यूनिस अख्तर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आउटसोर्स आईटी कर्मचारी संघ के सदस्यों ने एक सुर में कहा है कि उन्हें आज के महंगाई भरे युग में भी सिर्फ 4,500 रुपए दिए जाते हैं, उनके लिए सरकार ने कोई स्थायी नीति भी नहीं बनाई है। कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश की मौजूदा कांग्रेस सरकार ने चुनावों के समय यह वायदा किया था कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाई जाएगी, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी सरकार इन कर्मचारियों के लिए कोई स्थायी नीति नहीं बना सकी है। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों के लगभग 200 जो कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, देश में भाग ले रहे हैं। इस बैठक का जो हमारा मेन फोकस है वो हमारी जो स्थायी नीति है और वेतन वृद्धि है तथा जो सरकार का मैनोफेस्टो है उस पर हम इस चर्चा कर रहे हैं कि सरकार हमारी जो समस्याओं को किस प्रकार से हल कर सके। इसलिए हमारा जो विभिन्न जिलों में जो संगठन बने हैं उनको भी किस तरह से हम मजबूत करेंगे, उस उद्देश्य के लिए हम ये मीटिंग रखी हुई है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो हमारी समस्या है आउटसोर्स के लिए स्थायी नीति बनाना, उनकी वेतन वृद्धि करना और समय समय पर उनके लिए बजट का प्रावधान करना। तो सरकार से अनुरोध रहेगा कि जितने भी हमारे आउटसोर्स कर्मचारी लगे हैं जो हिमाचल प्रदेश सरकार में लगभग 2001 से कार्य कर रहे हैं और आज की तिथि में इनकी संख्या लगभग 3,000 तक पहुंच चुकी है, सरकार द्वारा इनके लिए अभी तक कोई स्थायी नीति का प्रावधान नहीं किया गया है। परंतु सरकार ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट किया था कि वह इनके लिए कोई स्थायी नीति बनाएगा। अभी तक सरकार ने अपने 2.5 वर्ष का कार्य कर लिया है परंतु इस पक्ष में कोई भी कदम नहीं उठाया हुआ है। सरकार से अनुरोध है कि इस पक्ष में कोई अहम कदम उठाएं और आउटसोर्स कर्मचारी ठेकेदारी प्रथा को बंद करके आउटसोर्स कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित करें। एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की सबसे कम वेतन है 4,476 रुपये। आज की महंगाई के दौर में इतने ऐसे पैसों से गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो सरकार से अनुरोध रहेगा कि यहाँ इस तरफ भी ध्यान दें और इनको आज की महंगाई को ध्यान में रखते हुए वेतन दिया जाए, इनके कार्य को देखकर वेतन दिया जाए और जो इनकी टर्म हो चुकी है, जितने इनको साल हो गए इंक्रीमेंट्स नहीं लगी हैं, उस उनको इंक्रीमेंट का प्रावधान किया जाए। अभी तक 2001 से जितने भी आउटसोर्स इम्प्लॉयज लगे हैं उनको एक भी इंक्रीमेंट नहीं लगी हुई है। जिस सैलरी पर वो कार्य कर रहे थे 2001 से, उस सैलरी पर 2015 तक पहुंच गए हैं। ये प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में किस प्रकार की सेवाएं दे रही हैं, क्या क्या कर रहे हैं? हम आउटसोर्स के एम्प्लॉय प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में सभी प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं। हमारा मुख्यतः काम कंप्यूटर से रिलेटेड है, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स का, और विभिन्न विभागों में आउटसोर्स में BRC है, एजुकेशन शिक्षा विभाग में लगे हुए हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, क्लर्क हैं और विभिन्न और पदों पर भी कार्य कर रहे हैं। और ये जो वेतन का आपको भुगतान किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है? हमें वेतन का भुगतान नीट कंपनी और अदर सोसाइटीज जो भी हैं उनके द्वारा किया जाता है, जो कि समय पर नहीं होता है। हमेशा महीने की 20 तारीख तक हमें तनख्वाह दी जाती है, जो कि काफ़ी देर हो जाती है उस समय तक।